ओम शांति। क्या आत्महत्या करना सही है? क्या आत्मा स्वयं अपनी मृत्यु का समय स्थान तय करती है? आपने किसी वीडियो में ये देखा है, उसमें कहा गया है कि आत्मा स्वयं अपना मृत्यु का समय, कारण, स्थान सब तय करने के बाद गर्भ में प्रवेश करता। वो किस आधार पर उन्होंने कहा होगा ये तो मैं नहीं जानता। बाबा ने बड़ा सीधा सीधा समझा दिया है कि 5,000 साल के लिए ये नाटक एक्यूरेट रिपीट होता है। कुछ भी बदल नहीं सकता। एक सेकंड का फ्रैक्शन पार्ट भी, लाखवां करोड़वां हिस्सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। एक रेट टाइम पर ना केवल आत्माएं शरीर को छोड़ती हैं, प्रकृति और पूरे यूनिवर्स का एक एक कतरा भी एक्यूरेट टाइम पर वही होता है। निश्चित है हिल नहीं सकता। आत्मा की हत्या हो नहीं सकती क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है आत्मा की हत्या करना। वास्तव में ये होती है देह की हत्या। और देह की हत्या करना दुनिया के संकल्प में हो सकता है, राइट या रोंग, परंतु ड्रामा में राइट इज राइट बट रोंग इज आल्सो राइट। क्योंकि उस आत्मा को एक्यूरेट इस शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर को लेना है, बहाना तो कुछ ना कुछ बनेगा ना, चाहे वो स्वयं स्वइच्छा से शरीर को छोड़ दे, चाहे स्वयं इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, जला दे, नष्ट कर दे, गिरा दे, कुछ भी करे। सतयुग में, त्रेता में लगभग आत्मा अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ती है, बट उसे आत्महत्या नहीं कहते हैं। और ये किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया कि आत्महत्या होती नहीं है। ड्रामा में एक एक एक्शन एक्यूरेट निश्चित है। इसे कोई आत्मा कभी कभी बैठकर निश्चित करती हो कि चलो आज मैं निश्चित कर देती हूं, ऐसा कुछ नहीं।
और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।